हाय नमस्ते। आज का ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, ये पहचान गए ना? ये तो सभी पहचानते हैं। ये है कोठाल, हम लोग इसे कोठाल बोलते हैं। ये जैक फ्रूट सभी खाते हैं, पूरा इंडिया में सभी लोग खाते हैं। और इसको कैसे खाते हैं सबको पता ही है। इसे सब्जी बना के खाते हैं, फिर जब पक जाता है तो फ्रूट के हिसाब से खाते हैं। और ये हमारा घर का है। और ये कोठाल, आज इस कोठाल का सब्जी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और कोठाल का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है, वो मैं आप लोगों को बोलूंगी। ये बहुत फायदा करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा हेल्थ के लिए कोठाल बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। ये देखिए, अभी कोठाल तोड़ लेते हैं पेड़ से, और हिंदी में कटहल बोलते हैं। जो कटहल जैसे ही सुनने में ऐसे सेम लगता है थोड़ा। और ये देखिए कोठाल फ्रेश फ्रेश। और जैक फ्रूट एक पोटासियम रिच फ्रूट है, जो हमारे बॉडी सेल के लिए और नर्व्स फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है पोटासियम। और वही पोटासियम इसमें भरपूर पाया जाता है। और सबको पता ही होगा, या किसी को पता नहीं तो मैं बोल लूँ, पोटासियम एक मिनरल है जो हमारे बॉडी को सही से काम करने में ये हेल्प करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, कटहल बॉईल कर लिया हम लोगों ने। पोटासियम के अलावा जैक फ्रूट में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फॉलेट, आयरन, विटामिन ए, सी और जिंक है। और विटामिन सी है इसमें, इसीलिए ये इम्यूनिटी के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैक फ्रूट हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि जैक फ्रूट में गुड कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैक फ्रूट ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें पोटासियम है भरपूर। और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और ये कैंसर से भी बचाता है, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट है। जैक फ्रूट हमारे आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, और विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है। जैक फ्रूट खाने से यंग रह सकते, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट है ना। और ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। और जैक फ्रूट खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा यंग रहिए। जैक फ्रूट हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम बोन के लिए ज़रूरी है। जैक फ्रूट हमारे ब्लड क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें आयरन है, और आयरन ब्लड के लिए ज़रूरी है। और कटहल अस्थमा के लिए भी अच्छा है। कटहल का कितना गुण है देखिए। और कटहल थायराइड के लिए भी अच्छा है, और हमारा स्किन डिजीज भी ठीक कर सकता है। कटहल कितना फ़ायदेमंद है ना हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी को कितना फ़ायदा देता है कटहल। तो ये सीजन का फल है, और सीजन में ज़रूर कटहल खाइए। और हम लोग आज जैसे कटहल का ग्रेवी बना रहे हैं। पूरा इंडिया में कटहल तो खाते हैं, और अलग अलग तरीके से खाते हैं, सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसमें टमाटो डाल दिया। और फिर और एक बात बोलूँ आप लोगों को, हम लोग नॉन वेज खाते हैं ना, चिकन वगैरह खाते, तो ये नॉन वेज को भी रिप्लेस करने वाला डिश है कोठाल। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि
आज ना चिकन खाएंगे, वेज वाला चिकन। मतलब जो जो हम लोग जो जो मसाला वगैरह चिकन में डालते हैं वही कटहल में डालते हैं, तो वही थोड़ा उस टाइप का चिकन टाइप का टेस्ट आता है। तो हम लोग इससे ना नॉन वेज मतलब चिकन बोलते हैं, वेज वाला चिकन बोलते हैं। कटहल इंडिया में तो पाया जाता ही है, इसके अलावा भी बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी पाया जाता है, वहाँ पे भी लोग खाते हैं। और कटहल का ना हम लोग अचार बनाते हैं, इसका अचार बहुत टेस्टी होता है। और मुझे ना कटहल का सब्जी भी पसंद है और पका हुआ कटहल भी बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ। और ये देखिए अभी ये हम लोगों ने डाल दिया, ये बॉईल किया हुआ है, आलू है साथ में, और बॉईल करने से ना ये सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, नहीं तो थोड़ा हार्ड रहता है, और इसीलिए बॉईल करके ही फ्राई करते हैं इसे। कटहल गांव में हर एक घर में मिलेगा, किसी किसी में नहीं होगा शायद, पर ज़्यादातर गांव में सबके घर में कटहल का पेड़ होता ही है और सभी कटहल खाते हैं यहाँ पे। और पका हुआ कटहल का जो सीड होता है ना, गुटी बोलते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग खाते हैं। और वो ना हम लोग उसको बॉईल करके या तो आग में जला के, जैसे आलू को मैश करके खाते हैं ना हम लोग, आलू पिटिका बोलते हैं, तो उस टाइप का ऐसे हम लोग मैश करके सीड को बॉईल करके मैश करके पिटिका बना के खाते हैं। और अभी इसमें मसाला जीरा और मीट मसाला डाल दिया, क्योंकि मीट मसाला डालते हैं ना इसीलिए थोड़ा चिकन का टेस्ट आता है, इसीलिए हम लोग वेज चिकन बोलते हैं इसको। कटहल का जेली भी बनाते हैं ना, जेली भी बहुत टेस्टी होता है, पका हुआ कटहल का जेली बनता है। और मेरी मम्मी कभी बनाती थी। अभी इसमें देखिए गरम मसाला डाल दिया, ऐसे क्रश करके डाल दिया, इलायची और दालचीनी और लौंग, और इसमें पानी डाल दिया अभी, और थोड़ा सा ग्रेवी होगा, ये ग्रेवी टाइप बना रहे हैं। आज मेरी भाभी हेल्प कर रही है ये व्लॉग बनाने के लिए, और ये भाभी ये कटहल का सब्जी बना रही है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए ग्रेवी बन गया, बहुत टेस्टी यम्मी है ना। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आप लोग प्लीज़ जैसा भी लगा हो ना कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ना मुझे जानना होता है, मतलब मुझे जानने का बहुत मन करता है कि मैंने कुछ बनाया है, जो भी वीडियो बनाया है उस वो मतलब कैसा लगता है पब्लिक को, आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे जानने का बहुत ही मन करता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, मैं भूल जाती हूँ बोलने के लिए। और ये कटहल आप लोग खाते रहिए, हम लोग कटहल बोलते हैं और बाकी इंडिया में अलग अलग स्टेट में क्या क्या बोलते हैं मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और आज का व्लॉग बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।